हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स विद एमडी में। आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में जो है डिफरेंस बिटवीन क्वाशियोर्कर एंड मेरास्मस। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स के अंदर आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन क्वाशियोर्कर और मेरास्मस से, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज, इसलिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वीडियो अंत तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं क्वाशियोर्कर और मेरास्मस है क्या। बोथ आर PEM प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के डिसऑर्डर हैं। दोनों ही मालन्यूट्रिशन के डिसऑर्डर हैं जिनके अंदर प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है। पहला पॉइंट आता है डिफरेंस का कि क्वाशियोर्कर को एडिमेटस माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं बिकॉज क्वाशियोर्कर के अंदर एडिमा होता है, इसलिए इसको एडिमेटस माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, और मेरास्मस को इन्फेंटाइल एट्रोपी भी कहते हैं बिकॉज मेरास्मस मोस्टली सीन होता है इन्फेंट्स के अंदर और मसल की वास्टिंग हो जाती है जिससे मसल एट्रोपी हो जाएगी। दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं, जो क्वाशियोर्कर है मेनली अफेक्ट करता है 3 मंथ टू 5 ईयर के चिल्ड्रन को, और मेरास्मस अफेक्ट करता है इन्फेंट्स को बिलो 1 ईयर। अगला डिफरेंस है कि क्वाशियोर्कर के अंदर मेनली जो डेफिशिएंसी होती है वो है प्रोटीन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, और मेरास्मस में बोथ दोनों प्रोटीन एंड कैलोरी यानी एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्वाशियोर्कर के अंदर मेनली जो है विसरल प्रोटीन कंपार्टमेंट अफेक्ट होता है, विसरल प्रोटीन कंपार्टमेंट, और मेरास्मस में अफेक्ट होता है सोमेटिक प्रोटीन कंपार्टमेंट। ये जो सोमेटिक प्रोटीन कंपार्टमेंट है ये मेनली प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल्स के अंदर, नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि क्वाशियोर्कर के अंदर एडिमा प्रेजेंट होता है और मेरास्मस में एडिमा एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मसल वास्टिंग दोनों में प्रेजेंट होगी क्वाशियोर्कर और मेरास्मस में। नेक्स्ट आता है ग्रोथ रिटार्डेशन, ये भी दोनों में प्रेजेंट होगी ग्रोथ रिटार्डेशन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है फ्लैग साइन, जो देखने को मिलता है क्वाशियोर्कर के अंदर। फ्लैग साइन इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस नर्सिंग के एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर ये पॉइंट पूछा गया है, फ्लैग साइन किस में प्रेजेंट होता है। क्वाशियोर्कर के अंदर फ्लैग साइन प्रेजेंट होता है बिकॉज चाइल्ड अच्छे से खाना नहीं खाएगा तो उसके अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी, जैसे एसेंशियल अमीनो एसिड हो गया फिनाइल एलेलिन का काम है कि वो मेलेनिन का फॉर्मेशन करवाता है, जिससे अब उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो मेलेनिन का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा, तो जो वो हेयर का पैटर्न है उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, कहीं पर हाइपर तो कहीं पर हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वाशियोर्कर के अंदर पुअर एपेटाइट होगी और मेरास्मस में गुड या वोरासियस एपेटाइट देखने को मिलेगी। क्वाशियोर्कर के अंदर जो चाइल्ड होगा वो लेथार्जिक होगा और मेरास्मस में चाइल्ड एक्टिव रहेगा। फिर जो है क्वाशियोर्कर के अंदर हिपेटोमेगेली होगी, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर बिकॉज ऑफ
फैटी लीवर के कारण हिपेटोमेगली होगी क्वासी वर्कर के अंदर, और मेरास्मस में जो लीवर है वो नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो क्वासी वर्कर के अंदर मून फेस एपीरियंस रहेगा बिकॉज ऑफ एडिमा के कारण मून फेस हो जाएगा, और जो मेरास्मस है उसमें ओल्ड मैन फेस एपीरियंस या मंकी फेस एपीरियंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि क्वासी वर्कर के अंदर चिलोसिस होगा, इन्फ्लामेशन अथवा क्रैकिंग ऑफ दी लिप्स, लिप्स की क्रैकिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वासी वर्कर के अंदर चाइल्ड के अंदर अपैथी रहेगी। अपैथी मीन्स नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन सराउंडिंग, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो क्वासी वर्कर है उसके अंदर फ्लैकी पेंट डर्मेटोसिस देखने को मिलेगा। फ्लैकी पेंट डर्मेटोसिस के अंदर जो स्किन का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, और मेरास्मस में देखने को मिलेगा बैगी पेंट एपीरियंस। तो ये था छोटा सा डिफरेंस बिटवीन क्वासी वर्कर एंड मेरास्मस। इसके हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वन लाइनर पूछा गया है बहुत बार प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, सो पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जय हिंद, जय भारत।